हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में स्लेंटिंग लाइन पर से जो लेटर आते हैं वो हमने लेटर सीखे थे। तो उसमें कौन से फोर लेटर सीखे थे बच्चों? ए फॉर एप्पल, एन फॉर नेस्ट, एम फॉर मंकी और वी फॉर वैन। ये फोर लेटर हमने इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में लिखे थे। तो आज हम आगे दूसरे लेटर सीखते हैं बच्चों। तो ये हमारा आगे का लेटर कौन सा लेटर है बच्चों? W, W फॉर वॉच, X फॉर एक्समस्त्री और Y फॉर या। तो बच्चों, आपको भी मेरे साथ ये इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में ये लेटर्स लिखने हैं। बच्चों, आपको अपनी मम्मी को बोलना है कि आपको ऐसे लेटर्स के हेडिंग लगा दे और ऐसे बॉक्स करके दे, ताकि आपको लेटर्स लिखने में आसानी हो बच्चों। तो चलो बच्चों, आप सबको भी मेरे साथ ये लिखना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमारा है W। ये कौन सा लेटर है बच्चों? W। तो बच्चों, W फॉर वॉच और W पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं? W फॉर विंडो, W फॉर वाटर, W फॉर वॉलरस, W फॉर वेल, W फॉर वाटरमेलन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी बनते हैं बच्चों। तो हम W लिखने के स्टार्ट करते हैं। आप सबको भी मेरे साथ लिखना है बच्चों। तो पहले आप सबको रेड लाइन से स्टार्ट करते ब्लू लाइन तक स्लेंटिंग लाइन बनानी है। फिर यहाँ से ऊपर स्लेंटिंग लाइन बनानी है। फिर आपको डाउन में फिर से स्लेंटिंग लाइन बनानी है और ब्लू लाइन से फिर से आपको रेड लाइन तक लेके जाना है। तो ये हमारा कौन सा अल्फाबेट बना बच्चों? W फॉर वॉच। उसी तरह से यहाँ भी आपको रेड लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक स्लेंटिंग लाइन बनानी है। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? W, W फॉर वॉच। ये कौन सा लेटर है बच्चों हमारा? W। अब सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है और बोलते जाना है कि हमारा कौन सा लेटर है? W। रेड लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन बनानी है। फिर ब्लू लाइन से फिर से रेड लाइन तक, रेड लाइन से फिर से ब्लू लाइन तक और ब्लू लाइन से रेड लाइन तक। तो ये हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? W। तो देखो बच्चों, हमारा ये W फॉर वॉच, ये लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट लेटर लिखना है। तो ये नेक्स्ट लेटर कौन सा है? X। तो बच्चों, X फॉर एक्समस्त्री। X पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं? X फॉर ज़ाइलोफोन, X फॉर ज़ेरॉक्स, X फॉर एक्सरे। ऐसे डिफरेंट वर्ड्स भी बनते हैं। तो चलो बच्चों, आप सबको भी मेरे साथ ये लेटर लिखना है। आपको रेड लाइन से लेकर ये ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन बनानी है। फिर दूसरी साइड से दूसरी स्लांटिंग लाइन बनानी है। तो ये कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? X, X फॉर एक्समस्त्री। रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन, फिर यहाँ से दूसरी स्लांटिंग लाइन। तो हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? X फॉर एक्समस्त्री। आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है और बोलते जाना है। ये हमारा कौन सा लेटर है? X फॉर एक्समस्त्री। तो देखो बच्चों, हमारा ये X फॉर एक्समस्त्री वाला लेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ दिया है तीसरा लेटर। तो ये कौन सा लेटर है बच्चों? Y। तो बच्चों, Y फॉर याक। और Y से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं? Y फॉर येल्लो, Y फॉर योयो, Y फॉर यान। ऐसे दूसरे वर्ड्स भी बनते हैं बच्चों। तो आप सबको भी मेरे साथ ये लेटर लिखना है। तो बच्चों, पहले आपको ये रेड लाइन से लेकर ये पहली ब्लू लाइन है
वहाँ से स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से आपको रेड लाइन से लेकर ये ब्लू लाइन तक दूसरी स्लांटिंग लाइन बनानी है। तो ये हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? वाई, वाई फोर या। तो पहले आपको ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से दूसरी स्लांटिंग लाइन बनानी है। तो ये हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? वाई फोर या। आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है और बोलते जाना है, ये हमारा कौन सा लेटर है? वाई, वाई फोर याक। तो देखो बच्चों, हमारा ये वाई फोर याक लेटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे लेटर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे जेड, जेड फोर जिब्रा, और के, के फोर काइट। तो हमें यहाँ ये दोनों लेटर लिखने हैं। तो बच्चों, जेड पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं? जेड फोर जिब्रा, जेड फोर ज़ीरो, जेड फोर जीप, जेड फोर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये सारे वर्ड्स जेड से बनते हैं। तो आप सबको भी मेरे साथ ये दूसरे पेज में ये दोनों लेटर लिखने हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको रेड लाइन से स्टार्ट करके स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर आपको ये स्लांटिंग लाइन बनानी है ब्लू लाइन तक, फिर ब्लू लाइन से दूसरी स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा। उसी तरह से आपको रेड लाइन पे स्लीपिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन, और यहाँ से दूसरी स्लीपिंग लाइन। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? जेड फॉर ज़ेब्रा। अब सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है और बोलते जाना है, ये हमारा कौन सा लेटर है? जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा। तो देखो बच्चों, हमारा ये जेड लेटर भी कंप्लीट हो गया। फिर हमें यहाँ दूसरा लेटर दिया है, ये कौन सा लेटर है बच्चों? के, के फॉर काइट। तो बच्चों, के पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं? के फॉर काइट, के फॉर की, के फॉर कीड, के फॉर कांगारू। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम के लिखते हैं, आप सबको भी मेरे साथ लिखना है। तो पहले आपको रेड लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर रेड लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से आपको दूसरी स्लांटिंग लाइन बनानी है। तो हमारा कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? के, के फोर काइट। तो आपको पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर स्लांटिंग लाइन और दूसरी स्लांटिंग लाइन। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? के, के फोर काइट। आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है और बोलते जाना है, ये हमारा कौन सा लेटर है बच्चों? के, के फोर काइट। तो देखो बच्चों, हमारा ये के फोर काइट लेटर भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आज हमने स्लैंटिंग लाइन पर से कौन से लेटर लिखे? W फॉर वॉच, X फॉर एक्समोस्ट्री, Y फॉर याक, Z फॉर ज़ेब्रा और K फॉर काइट। तो बच्चों, आप सबको ये फाइव लेटर अपनी इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।